हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो इन सभी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसकी मैं बात करूँगा आपके साथ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक हमारा डिफरेंस अमंग टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करता हूँ मीनिंग की। एम फॉर मीनिंग मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। टैक्स प्लानिंग क्या है? इट इज़ मेथड। हालांकि ऑलरेडी मेरा वीडियो है इस पे, लेकिन फिर भी मैं टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करके मैं डालता रहता हूँ। तो मीनिंग की बात करता हूँ। सबसे पहले टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग इट इज़ ए मेथड टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेजेस ऑफ द एक्ट। एक्ट कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट 1961, थ्रू एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट एंड रिलीफ। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग एक मेथड होता है जिससे टैक्स लायबिलिटी कम की जाती है। टैक्स लायबिलिटी कम कैसे की जाएगी? जो एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो जो एग्जेम्पशंस होती है, जो डिडक्शंस होती है, रिबेट रिलीफ होती है, उनकी एडवांटेजेस लेकर टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है टैक्स प्लानिंग के तहत। यानी पूरा का पूरा एज पर लॉ टैक्स प्लानिंग होती है। उसके बाद है टैक्स अवॉइडेंस। इट इज मेथड टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। टैक्स अवॉइडेंस, देखो अवॉइड का मतलब होता है कोई चीज से बचना है। तो यहां ये भी एक मेथड होता है टैक्स लायबिलिटी कम करने का, बाय लीगली, लीगल रूप से टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं। लेकिन इसमें एडवांटेज ली जाती है लूप होल्स ऑफ द एक्ट, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो लूप होल्स, जो कमियां होती है, उसकी एडवांटेजेस लेकर टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है टैक्स अवॉइडेंस में। ये है लीगल, बट यहाँ पर लूप होल्स, जो कमियां हैं एक्ट की, उसको आप फायदा उठा के टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है। लीगल है बट जो लॉ मेकर है उसकी इंटेंशन को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। उसके बाद है टैक्स एवेजन। टैक्स, देखो एवेजन का मतलब क्या होता है? चोरी करना। टैक्स एवेजन इट इज़ द इलीगल वे, इलीगल वे कह सकते हैं, इलीगल मेथड कह सकते हो, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कम करने का ये एक इलीगल मेथड होता है, इलीगल वे, इलीगल तरीका होता है, बाय डेलिबरेटली, यानी यहाँ पर स्पेसिंग इनकम, यहाँ पर इनकम के साथ छेड़खानी की जाती है, या फिर सेल, या फिर आप खर्चे को अधिक दिखाया जाता है। तो मोटा मोटी बात करें तो इनकम के साथ छेड़खानी करके, सेल के साथ छेड़खानी करके, एक्सपेंस को बढ़ा के टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है। यानी इलीगल वे है, एक इलीगल तरीका है। टैक्स मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो ये एक प्रोसीजर होता है टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। यानी लॉ के जो प्रोविजन होते हैं उनको कंप्लाई करने का एक प्रोसीजर होता है टैक्स मैनेजमेंट। हम लॉ के जितने भी प्रोविजन्स होते हैं उनको कंप्लाई करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। अगर टैक्स प्लानिंग की बात करूं तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी को कम करना बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द मोरल ऑफ लॉ। यहाँ पर मोरल ऑफ लॉ को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में टैक्स लायबिलिटी कम की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी कम करना बट अप्लाइंग स्क्रिप्ट ऑफ द लॉ ओनली। यहाँ पर लॉ की स्क्रिप्ट को ओनली अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर मोरल को ध्यान में नहीं रखा जाता। टैक्स एवेजन यानी टैक्स चोरी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी कम करना होता है बट अप्लाइंग बाय अप्लाइंग अनफेयर मीन्स, यानी जो अनफेयर मीन्स होते हैं, उल्टे पुल्टे तरीके के साधन या उल्टे पुल्टे तरीकों से टैक्स लायबिलिटी कम की जाती है। अगर टैक्स मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लॉ के जो प्रोविजन होते हैं उनको कंप्लाई करना, उनको फॉलो करना, उनका पालन करना। अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो टैक्स प्लानिंग की क्या है? एक फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव, यहाँ पर जो अप्रोच होगी फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव अप्रोच होती है टैक्स प्लानिंग के अंदर। टैक्स अवॉइडेंस ये भी एक फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है कम समय के लिए। टैक्स एवेजन ये एक नेगेटिव अप्रोच होती है, यानी यहाँ पर टैक्स चोरी की जाती है। और टैक्स मैनेजमेंट की अप्रोच की बात करूं तो ये कंटिन्यूस अप्रोच है, यानी यहाँ पर जो प्रोविजंस होते हैं
उनको कंटिन्यूसली फॉलो किया जाता है। इसमें आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि समय समय पर जो भी नए नए बदलाव आते हैं टैक्स एक्ट के अंदर, उनको सबको फॉलो करना होता है टैक्स मैनेजमेंट के तहत। उसके बाद बेनिफिट क्या है, तो टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट जनरली अराइज होता है लॉन्ग रन, यानी लंबे समय में इसका बेनिफिट देखने को मिलता है, लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है इसका। टैक्स अवॉइडेंस, ये एक शॉर्ट रन में इसका बेनिफिट होता है। और टैक्स एवेजन यानी टैक्स चोरी, यहाँ पर बेनिफिट राइज नहीं होता है, क्योंकि टैक्स चोरी होती है तो बेनिफिट राइज नहीं होता, बट इट कॉजेस पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, लेकिन इसके कारण पेनल्टी देनी पड़ सकती है और प्रोसिक्यूशन यानी सजा भी हो सकती है। और टैक्स मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर लॉ को फॉलो नहीं किया, उनके कंप्लाइंस नहीं किए, तो पेनल्टी भी लग जाएगी, इंटरेस्ट भी लग जाएगा और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर हम टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स लॉ के जो प्रोविजंस होते हैं उनको फॉलो अप करते हैं हम, तो यहाँ पर बेनिफिट क्या मिल जाएगा हमें, हम पेनल्टी, इंटरेस्ट, प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस। टैक्स प्लानिंग टैक्स सेविंग प्रैक्टिस है, टैक्स अवॉइडेंस ये टैक्स हेजिंग होता है, और टैक्स जो इवेजन है ये टैक्स कंसीलमेंट, टैक्स को छुपाना है, और टैक्स मैनेजमेंट जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, लॉ का ट्रीटमेंट कैसे होता है, टैक्स प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लॉ के जो बेनिफिट है उसको यूज करना, यूज किया जाता है। यहाँ पर जो लॉ के लूप होल्स, जो कमियाँ होती है उनको यूज किया जाता है। टैक्स एवेजन में लॉ को ओवर रूल किया जाता है, यानी लॉ को मोटा मोटा तोड़ा जाता है। और टैक्स मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, यानी लॉ को फॉलोअप किया जाता है, लॉ का पालन किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें नीड, तो टैक्स प्लानिंग की नीड क्या है, ये डिजायरेबल है, यानी टैक्स प्लानिंग हर आदमी की इच्छा होती है, डिजायर होती है टैक्स प्लानिंग, यानी टैक्स कम किया जाए लॉ के तहत, लॉ को ध्यान में रखते हुए, लॉ के अंदर जो डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन होती है, जो रिबेट होती है, रिलीफ होती है, जो एग्जम्पशन होती है, उनका बेनिफिट लेकर। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस क्या है, ये एक अवॉइडेबल है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स से एक तरह से बचने की इंटेंशन होती है, होता लीगल है बट यहाँ पर लॉ मेकर की इंटेंशन को तोड़ा जाता है। उसके बाद टैक्स अगर इवेजन की बात करें तो ये ऑब्जेक्शनेबल होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगता है इनकम टैक्स एक्ट का। और ये जो है टैक्स मैनेजमेंट, ये इजेंशियल यानी आवश्यक है कि भाई जो प्रोविजन होते हैं लॉ के उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मोरलिटी की बात करें तो टैक्स प्लानिंग एक मोरल होता है नेचर में, टैक्स अवॉइडेंस ये इमोरल होता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लॉ मेकर की इंटेंशन को तोड़ा जाता है। देखो टैक्स अवॉइड, टैक्स से बच रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी कम की जा रही है लीगल, क्योंकि जो लॉ के लूप होल से होते हैं उनकी कमियों का फायदा उठाया जा रहा है, बट है इमोरल क्योंकि लॉ मेकर की इंटेंशन को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद टैक्स इविजन, ये आपको पता है टैक्स चोरी इलीगल होता है, और टैक्स मैनेजमेंट की एक ड्यूटी है कि हमारे हम जो भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो भी प्रोविजंस होते हैं लॉ के उनको फॉलो अप किया है, उनका कंप्लाई कर सके। ओके, थैंक यू।